हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज मैं बनाने वाले हैं हलवा, क्योंकि बहुत दिन से मैंने खाया नहीं है और हम आज बनाने वाले हैं हलवा। और मैं और मेरा रूम पार्टनर रवि। अब ये यहाँ पर ये सूजी को अच्छे से छान रहा है ताकि उसमें कुछ कूड़ा वगैरह ना हो, क्योंकि पिछले महीने लेके आए थे हम सूजी को, तो रखी हुई है तब से। आज मन किया, मन की बारिश भी हो रही है दिल्ली में, मैंने क्यों ना आज हलवा बनाया जाए। तो सबको हमारा रवि भाई ना सूजी को भी यहाँ पर छान रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये चाशनी चीनी की जो भी बनता है, मेरे को तो आता नहीं है बट यही बनाता है वो। तो यहाँ पर ये चीनी पूर्ण रूप से पानी में डिजॉल्व हो चुकी है, तो यहाँ पर हम हलवा बना रहे हैं। और गाइज, आज तुम्हारा कुछ स्पेशल बनाने का मन है, क्योंकि आज संडे है और मस्ती। और यहाँ पर अभी भाई सूजी यहाँ पर छन चुकी है और अभी सूजी को भूनने की बारी है और हम सूजी को भून रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सूजी कम पड़ गई तो हम ये सूजी डाल रहे हैं। तो गाइस, बस और यहाँ पर हमने सूजी डाल चुकी है और यहाँ पर हमारी चाशनी भी क्लियर हो चुकी है जैसे कि आप देख पा रहे हो। और हम बैचलर्स की लाइफ ऐसी होती है जो फुल मस्ती के साथ काटते हैं, जो भी काम करते हैं चिल मस्ती के साथ करते हैं, खाना वाना बनाते हैं। और यहाँ पर हमारी चाशनी पूर्ण रूप से बन चुकी है ताकि हमको हलवा में डालनी होती है। घर पे तो मम्मी पता नहीं कैसे बनाती है, लेकिन हम अपने तरीके से बनाएंगे। चलो आइए देखते हैं। और हमने गैस रेडी कर दी है, यहाँ पर बारी है इसको चलाने की सूजी को, ताकि वो जल ना जाए। फिर हम अच्छे से करके आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। चलो आइए। और यहाँ पर हम सूजी को भी भूंज रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो। और मैं अभी डालने वाला हूँ इसमें थोड़ा सा घी, ताकि हमारी सूजी अच्छे से भुन सके। और ये सूजी अभी गर्म हो रही है। और यहाँ पर मैं डालने वाला हूँ वो भी देसी घी, प्योर घी घर से लेके आया था, वो भी भैंस का। तो गाय जब यहाँ पर हम घी का ढक्कन खोलेंगे फिर इसमें घी डालेंगे। चलो रुक गया, अब घी डालो इसमें। रुक जा अभी, पहले भुनने दो पहले तो भी। अच्छा, थोड़ा सा और भुजने दो पहले। तो तब तक घी का ढक्कन खोलो आप एक हाथ से, ताकि हम लोगों को दिखा सकें घी है क्या है। हाँ, ये तो घी है, ये देसी घी का, प्योर देसी भैंस का प्योर घी है यहाँ पर ये। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हमारी इंडक्शन पर चाशनी बिल्कुल बन चुकी है। और गाइस, यहाँ पर रवि कुछ फोन में चलाता हुआ बंद कर दिया, शर्म आ गया। बाकी तो आप देख ही पा रहे हो सूजी कैसे बुझ रही है। और रवि, क्या आप कहना चाहते हैं हलवा बनना उसके बारे में? अच्छा, अभी हलवा बनने दें। तो गाइस, यहाँ पर सूजी भुज रही है अच्छे से और मैं भी कुछ काम कर लूँ, ये लगा हुआ नहीं मेरे को, पीट जाएगा ये भी। मैं तब तक इसको अंदर डाल देता हूँ उसमें से। और मुझे भी क्या करना, पापा से सूजी को मैं इसमें डालने वाला हूँ। बस तो गाइस, घी तो हम दबा के खाते हैं कुछ भी हो जाए। मैंने इसमें घी डाल दिया और अच्छी से थोड़ी देर में सूजी ही भुजने वाली है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा हलवा कैसे बनता है, तब तक हम एंजॉय करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हलवा 50% बन चुका है। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं भी आपको हलवा भी दिखाऊंगा, क्योंकि आज हम दोनों छात्र छुट्टी होगी तो हमने सोचा कुछ ना स्पेशल बनाया जाए।
चिम टपाक डमडम चिम टपाक डमडम। तो गाइस ये हमारा सबसे फेमस डायलॉग है चिम टपाक डमडम। और यहाँ पर हमारा रवि कढ़ाई में लगता हुआ पता नहीं पसीने से लथपथ हो रहा है और आज हम हलवा खा के मारेंगे गाइस। और लंच में हमने सब्जी बनाई थी बड़े एंजॉय के साथ और हमने अपने एक दोस्त को इनवाइट किया चंबल का डाकू। और हमारा दोस्त आने वाला रंजीत बदमाशों का बदमाश चिम टपाक डमडम गाइस। तो गाइस यहाँ पर सूजी बन चुकी है और भी हम सूजी में चाशनी डालने वाले हैं ताकि वो अच्छे से हलवा बन सके। और ये मेरे चाशनी गरम है मेरे हाथ जल रहे मैंने उठा लिया और मैं अब इसमें डालने वाला हूँ। तो गाइस मैं बहुत धुआं उठने वाला है और गाइस हमने पूर्ण रूप से चाशनी को डाल दिया है सूजी में। मुझे लगता है हमारी चाशनी ज्यादा है सूजी कम पड़ गई है पूरी है कंप्लीट। तो गाइस 5 मिनट में हमारा हलवा तैयार होने वाला है। और गाइस मैंने घी को ऊपर रख दिया है ताकि नीचे से कुछ फैल ना जाए। हलवा बड़ा जबरदस्त बना है देसी घी के साथ में। आओ बैठ के खाते हैं। जो जिसको खाना है वो कमेंट में यस लिखे उसके लिए फिर हम हलवा बनाएंगे। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तो बहुत कुछ बाकी है वीडियो में। अभी तो हम हलवा को ऐसे ऐसे चला रहे हैं। गाइस हलवा बन चुका। मैं आपको हलवा दिखाता हूँ कैसा बना है। तो गाइस देख रहे हो ये कितना प्यारा हलवा बना है। मुझे नहीं लगता शायद ऐसा हलवा कोई बना सकता है चिम टपाक डमडम। और ये हमारे रवि हलवाई। हाँ हलवाई ये कारीगर रवि। हाँ कारीगर जी कारीगर बना दे उस्ताद जी। तो गाइस ये हमारा रूम है। ये हमारा फ्रिज है छोटा सा। इधर ये सामान रखा हुआ है। इधर ये इधर हमारा यह अलमारी रखी हुई है। ये ऊपर पंखा चल रहा है। और गाइस फिर ये अपना रूम। फिर इधर से आ जाते हैं बाकी तो आप देख ही पा रहे होंगे। और इधर फिर हम आ गए गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो। और हमारा हलवा बन चुका है। ये देखो गाइस इतना बेहतरीन हलवा बना है ना शायद मुझे लगता है कोई नहीं बना सकता। मुझे लगता है मुझे अपने कारीगर के हाथ कटवाने पड़ेंगे ताकि वो आगे कभी ऐसा बना ना पाए। और बता बाबू। और ये हमारा कारीगर चला गया है। गाइस यहाँ पर हलवा बन के रेडी हो चुका है। हलवा जो बोलते हैं सूजी का हलवा ये कटोरी में सिराया जा रहा है ताकि ठंडा हो जाए। और ये इतना ज़बरदस्त हलवा बना है ना जैसे आप देख पा रहे हो ना शायद ही कोई बना पाएगा मेरे हिसाब से। अभी इसमें देसी घी डालेगा ना ऊपर से। आ हा 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 महाराज हलवा खाओगे के पूड़ी खाओगे के हलवा खाओगे के पूड़ी खाओगे। इतना सुपर हिट लाजवाब हलवा हमारे रवि जी ने बनाया है। ये हमारे रवि जी हाँ चढ़ गया। और ये इतने लोहा पुरुष हैं जो कि गर्म कढ़ाई को हाथ से पकड़ लेते हैं बाद में बोलते हैं हाथ जल गया। ये देखो ये दिखा चमचा। ये चमचा दिखा रहा है गाइस मेरे को कभी भी पीट सकता है क्योंकि मैं मस्ती के साथ एंजॉय भी कर रहा हूँ। चम्मच दे गाइस यहाँ से ये चम्मच उठाएंगे। बड़े खतरों के खिलाड़ी हैं जैसे आप देख पा रहे हो। इन्होंने पूरी कढ़ाई ऐसे साफ कर दी जैसे बोलने की जरूरत नहीं है ऐसे रख दूंगा जैसे सुअर नाली को साफ कर देता है। मुझे लगता है शायद कढ़ाई को धुलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इन्होंने इतना अच्छा काम किया है मेरे लिए। और गाइस यहाँ पर हलवा पूर्ण रूप से बन चुका है।
रवि अकबर का कैमरा चल रहा, हाई कर दो आप ताकि लोगों को पता चले कि आप। हाँ इन्होंने भाई ने हाई कर दिया है। हेलो गाइस, और हमारा हलवा बन के रेडी हो चुका है और हम अभी हलवा खाने वाले हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा ट्राईपॉड का कवर है जो कि मैं इसको बड़ी हिफाजत से रखूंगा यहाँ पर। और ये हमारा हलवा, हम दोनों ने मिलके बनाया है, बट मेहनत इसकी ज्यादा है, मेरी कम है। तेरा काम ना और ये ज्यादा बनाना। चम्मच एक ही लेके आया है गाइस, एक चम्मच और लेके आओ। चलो लेके आओ गाइस। ये बंदा इतना फोन चलाता है ना, हमें दुखी मुझसे बहुत ज्यादा गाइस। वो गया भी चम्मच लेने, मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं दोनों को खा जाऊं, बट ऐसा मैं नहीं करूंगा क्योंकि हम दोनों ने साथ मिलके बनाया, तुम दोनों मेरे साथ ही खाएंगे। वो गाइस ये हमारा इतना बेहतरीन हलवा बना है, चम्मच तो ये लेके आया मेरे लिए चम्मच। जिस किसी को खाना है वो आइए हमारे साथ बैठिए और खाना हम खाते हैं। पहले मैं टेस्ट करके देखता हूँ कैसा बना है। टेस्ट करके देखता हूँ। क्या बात है, इस लॉन्ड ने तो मेरा दिल जीत लिया। हलवा नहीं, हलवे की जान बनाई है। हलवे की जान। ऊपर वाले से मैं दुआ करूंगा कि ये अपने हाथों से अच्छी अच्छी चीज बनाए और मेरे को खिलाए, तो भगवान इसको कभी ऐसा दुगना दे के अपना खाना भी नहीं खा पाए। और गाय जैसे ही मैं आपको डेली बना बना के खिलाऊं, डेली मेरे को बना के खिलाए और मैं ऐसे ही बैठ के खाऊं। गाइस जिस किसी को हलवा खाना है वो कमेंट में यस लिखे और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और घंटा बजाना ना भूलें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहीं ब्लॉग को खत्म करते हुए गाइस हाय, सब्सक्राइब जरूर करें।